नाइजीरिया के स्टॉल में है। दीज आर कीरिंग्स, ये कीरिंग है वहाँ के, वहाँ पे चलती होगी ये माला, इस तरह की पहनते होंगे हमारे जो भाई लोग हैं। बैठने के लिए या तो टूट जाएगा अगर हम बैठेंगे, कोई बात नहीं। ये जो पंखा होता है, अरे वाह, हैंड फैन, ये देखिए। नाइजीरिया के स्टॉल में थे अभी हम फिलहाल के लिए। तो सूरजकुंड मेले में पहुंच चुके हैं हम, इस वक्त हम नाइजीरिया के स्टॉल में हैं और हमारे साथ वकील भाई हैं हमारे, हमें बताएंगे व्हाट इज़ दिस। वकील, दिस ऑल आर, ये खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं ये सारी जो चीज़ें हैं, व्हाट इज़ दिस, दिस दीज आर कीरिंग्स, ये कीरिंग है वहाँ के, डालने के लिए, गले में डालने के लिए माला है। वहाँ पे चलती होगी ये माला, इस तरह की पहनते होंगे हमारे जो भाई लोग हैं। और ये भी, दिस इज़ ऑल्सो गले में डालने का है ये। और ये ब्रेसलेट हैं, वहीं के मटेरियल के बने हुए हैं, उसी तरह वहाँ मिलते होंगे ये, देखिए। और इसका क्या करेंगे भैया, ये क्या है, बैठने के लिए है या तो टूट जाएगा अगर हम बैठेंगे, कोई बात नहीं। ये देखिए, दीज आर ट्रेडिशनल, यू यूज देम फॉर ईट। अच्छा, अभी भी वहाँ पर इस तरह की चीज़ें यूज होती हैं खाने पीने के लिए। अरे ये चम्मच है वहाँ का, यूज इट फॉर सूप, डेली यूज इट फॉर सूप, डेली। भाई साहब ये देखिए, ये यूज करते हैं सूप के लिए, ये पहनने के लिए हैं। दिस वाज इज एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का है ये पहनने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये ब्रास का है, ये एल्युमिनियम का है। और ये क्या है, ये जो पंखा होता है, अरे वाह, हैंड फैन, ये देखिए, ये देखिए। हमारे यहाँ इसको बीजना बोलते हैं, पंखा बोलते हैं, नो इलेक्ट्रिसिटी, यू हैव देयर प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, हैंडमेड है ये, बहुत बढ़िया। ये व्हाट इज दिस, ये देख, हैंडमेड है ये, मटेरियल क्या है इसका, कॉटन, इज इट कॉटन, नो वूल कॉटन। प्राइस क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस प्राइस। अच्छा, अभी सेल के लिए नहीं है, सिर्फ जो है वो दिखाने के लिए है, सिर्फ सैंपल रखे हुए हैं, ये देखिए। चलिए, तो नाइजीरिया के स्टॉल में थे अभी हम फिलहाल के लिए, और बहुत कुछ है सूरजकुंड मेले में। 19 फरवरी तक ये लगा हुआ है फरीदाबाद में। आइए और देखिए देश और दुनिया के कल्चर क्या हैं, लोगों से मिलिए, बातचीत करिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।